For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। दोस्तों, सलमान खान फाइनली इतने टाइम बाद संजय लीला बंसाली के साथ वापस आ रहे हैं और ऐसे में ऑडियंस की एक्साइटमेंट और फैंस की एक्साइटमेंट अपरंपार लेवल तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, और ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज खुद सलमान खान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज को लेकर कि आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years सलमान इज बैक विद संजय लीला भंसाली। वेल, इन दोनों की जोड़ी कितनी मैजिकल है ये तो हम सब ने हम दिल दे चुके सनम में देख ही लिया था, लेकिन अब फाइनली सलमान ने ऐलान कर दिया इस बात का कि ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है। वेल, जहां फिल्म के अनाउंसमेंट से ही इतना ज्यादा बस क्रिएट हो गया और साथ ही साथ आलिया भट्ट जब इस फिल्म में जुड़ गई है तो एक एक्साइटमेंट लेवल जो है फैंस का वो और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जहां सलमान ने खुद इस बात की कंफर्मेशन दी, आलिया ने खुद इस बात की कंफर्मेशन दी, शी हैज ऑफिशियली जॉइंड द टीम। एंड साथ ही साथ उसके बाद कई तरह के रिविलेशन सलमान खान ने एक रिसेंट इंटरव्यू में किए, जहां सलमान ने ये कहा कि इंशाल्लाह जो है वो दबंग 3 के बाद वो उसकी शूटिंग शुरू करेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह 2020 ईद पर रिलीज की जाएगी। Excited? Well, मैं बहुत ज्यादा excited हूँ ये खबर सुनकर because of course who is not a Salman Khan fan? I am a very big Salman Khan fan and जब सलमान ने ये बात बोली कि finally in 2020 पे ये फिल्म रिलीज होने वाली है तो of course smile जो है वो इससे भी बड़ी smile आती है face पर। और साथ ही साथ आलिया भट्ट है, जब सलमान से पूछा गया कि is he looking forward to work with Alia, तो सलमान ने साफ साफ कहा कि of course she is very talented actress और उनके साथ काम करने के लिए he is very much excited। और साथ ही साथ काफी चीजें संजय लीला भंसाली के बारे में भी रिवील की कि जिस तरह का विजन है संजय लीला भंसाली का, एक क्लियर कट विजन है उनका, बींग अ डायरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और तमाम ऐसी खूबियां हैं संजय लीला भंसाली में। साथ ही साथ सलमान ने ये भी एक हिंट दिया कि इंशाल्लाह जो होने वाली है वो कहीं ना कहीं रोमांस और कॉमेडी भी अपने साथ लेकर आएगी। अब संजय लीला भंसाली की फिल्मों में इंटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, इंटेंस स्टोरी होती है, एक इनसाइड डार्कनेस होती है, साथ ही साथ एक पैशनेट लव जरूर होता है और उसके साथ साथ सलमान ने ये हिंट भी दे दिया कि इस बार लेकिन साथ ही वो कहीं ना कहीं कॉमेडी और रोमांस भी भरपूर लेकर आने वाले हैं विद इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं जो है स्टोरी लाइन वो हम लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ गई है कि कोई एक ऐसी लव स्टोरी होने वाली है जहां पर हमें कॉमेडी और साथ ही साथ रोमांस और बाकी सारे जॉनर्स देखने को मिलेंगे। वेल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सलमान, संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को एक साथ एक कैनवस पर देखने के लिए। आप कितना एक्साइटेड है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, प्लीज वीडियो के नीचे जाओ और बताओ वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ कितना एक्साइटेड हो यार ईद फाइनली। हर ईद पे सलमान खान ईदी लेकर आते हैं और जैसे इस बार भारत आने वाली है वैसे ही अगले साल ईदी के लिए रेडी हो रही है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, इंशाल्लाह अभी वाली फिल्म यानी भारत भी सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो आप कितना एक्साइटेड है भारत के लिए भी और साथ ही साथ आलिया और सलमान के लिए, संजय लीला भंसाली और सलमान खान के लिए कितना एक्साइटेड है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।